ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे कापुत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये 18वां अध्याय है श्रीमद् वेदांत भागवत के 11वें स्कंध का। इसमें भगवान वानप्रस्थ और संन्यास के धर्म यानी नियम बता रहे। आयु का तीसरा भाग दायित्वों और परिजनों को सौंपकर वन में रहकर यथा योग्य सात्विक भोजन सामग्री त्रिकाल स्नान संध्या भूमि शयन पंचाग्नि तप ठंड गर्मी बरसात सहकर अपने शरीर के अनुकूल भोजन का संचय करे तप करे यह है। और सन्यास का धर्म है सन्यासी लंगोटी पहने मात्र कमंडल रखे वाणी मौन रखे मन के लिए प्राणायाम दंड है शरीर के लिए निश्चेष स्थिति ये तीन दंड हो तो दंडी। ये तीन दंड का ऐसा डंडा लेके घूमना दंडी नहीं होता। भगवान भागवत में कह रहे कि वाणी का दंड मौन प्राणायाम प्राण का दंड और शरीर के लिए निश्चेष स्थिति ज्यादा घूमना फिरना नहीं बिल्कुल शरीर को ज्यादा परिश्रम नहीं करना आराम से रहना बैठना ये तीन दंड हो तो दंडी। मात्र दंड धारण करने से कोई दंडी नहीं होता। और जाति च्युत जो अपनी जाति से नीचे गिर गया गोघाती गाय को मारने वाला पतितों को छोड़कर चारों वर्णों से भिक्षा ले यह बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। चारों वर्णों से भिक्षा ले केवल सात घर भिक्षा मांगे भिक्षा पवित्र करके खाए यानी अकेला और अकेला रहे शांत रहे भाव शुद्ध रखे मेरा अभिन्न अखंड चिंतन करे ज्ञानी संयमी अचंचल वानप्रस्थियों से भिक्षा ले सकता है। भैया बाहर की चीजें तो तुम कर लोगे लेकिन अंदर की चीजें कैसे करेंगे। अनासक्त अकेले भी रह लोगे भिक्षा भी मांग लोगे लेकिन अनासक्त कैसे रहोगे इंद्रियों से अतीत कैसे रहोगे स्वरूप मन मग्न स्वरूप मग्न कैसे रहोगे है ना। और अखंड आत्मचिंतन कैसे करोगे आत्म प्रेमी तन्मय कैसे रहोगे। तो ये सब करने के लिए आत्म अनुभवी निर्भय शांत शुद्ध रूप मेरा अभिन्न अखंड चिंतन ना ज्ञानी संयमी अचंचल और वानप्रस्थियों से भिक्षा ले ले ये सब करने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप आत्मज्ञान प्राप्त करो साक्षी का ध्यान करो गृहस्थी में रहकर। और इसके बाद में अब वो समय नहीं रहा कि जंगल तो है नहीं तो इसी गृहस्थ में आप वानप्रस्थ का जैसा जीवन जियो। बहुत सारे मंदिर हैं मठ हैं गली गली में और मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर है मंदिरों पर जाकर बैठो वहां लोगों को छोटे छोटे बच्चों को बिठाओ उनको भगवान के बारे में वेद उपनिषद पुराण के बारे में रामायण गीता के बारे में उनकी क्लासेस लो उनको समझाओ। ये है वानप्रस्थ आज के समय का है ना। भगवान कहते हैं कि दृश्यमान को असत्य जानकर आत्मा में ठहरे। अब आत्मा में ठहरना मुश्किल का काम है भाई। आत्मा में ठहरना है तो आत्मज्ञानी ठहरेगा जिसको आत्मा का पता नहीं वो कहां से आत्मा में ठहरेगा। सबका बाध करके स्वरूप में स्थित हो इस स्वरूप में स्थित होना ये भी सतगुरु की कृपा से कोई आत्मज्ञान प्राप्त करे उसको होता है। 27वां श्लोक है ये किसको सन्यासी के लक्षण बता रहे। इसलिए सन्यासी आज के जमाने में सन्यासी को क्या करना चाहिए जब व्यक्ति 60 वर्ष के आसपास हो जाए उसका काम निपट जाए नौकरी चाकरी से और रिटायर हो जाए धंधा व्यवसाय से रिटायर हो जाए इतना धन कमा ले कि वो आदमी आराम से खा सके तो वो उसको क्या करना चाहिए अपने घर में ही एक दो कमरे में ऐसे आश्रम टाइप बनाकर अपने घर में आराम से वो रहे अपने पत्नी बच्चों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करके आवश्यकता अनुसार उनको सलाह दे लेके बाकी समय
अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म ज्ञान के लिए और अपना ध्यान और गुरु महाराज की द्वारा मार्गदर्शन जो दिया गया उसका अमल करें। अब तुम संन्यास होकर लेकर और आश्रम में जाओगे, वहां तुम्हारी कोई भी कदर नहीं कर सकता, क्योंकि सारे आश्रम भारतवर्ष में व्यवसायिक हो गए। आश्रम में जाओगे, वहां का जो मंडलेश्वर है या महामंडलेश्वर है या महंत है या श्री संत है, उसको आपने थोड़ा सा भी कुछ उसकी सेवा में, उसकी आज्ञा पालन में कहीं कोई गलती कर दी, तो वो आपको जीना वहां हराम कर देगा। इससे अच्छा है आप अपना धन कमाकर अपने अपने भोजन की व्यवस्था करके, भले आप पत्नी बच्चों के साथ रहें या पत्नी बच्चों से अलग रहें, क्योंकि पत्नी बच्चों के साथ भी रहे और आपको ज्ञान हो गया तो आप पत्नी बच्चों के साथ वो आसक्ति में नहीं रहेंगे, वो काम वासना वगैरह ये वो क्रोध रोध सब आपका अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आप तो घर में रहकर भी सन्यासी की तरह रह सकते हैं। ये जमाना आज, ये सब परिभाषाएं 5000 वर्ष पहले की थी, अब ये परिभाषाएं बदल गई हैं। क्यों? कि अब तो जो सन्यासी हैं वो ही सन्यासी नहीं रह रहे हैं। है? लोग जो हैं भाई फलाने भाई की कथा कराओ 4 लाख रुपए चाहिए सब, है ना, उनकी दक्षिणा चाहिए, उनकी मंडली आएगी, उनकी संगीत मंडली आएगी, उनके जो है डीजे वाले आएंगे, उनका ठहराव अलग से, उनके भोजन प्रसादी की व्यवस्था अलग ढंग की, उनके साथ जो सेवक आए उनके लिए अलग ढंग की, उनके साथ जो पंडित आएंगे उनकी दक्षिणा देना पड़ेगी, वस्त्र देना पड़ेंगे, दुनिया भर के ताम झाम, हाथ जोड़ो भगवान को पाना है। तो यही मेरा सुझाव है कि कोई ब्रह्मवेत्ता सदगुरु की शरण में आकर शिष्य बन के वो जैसा ध्यान कराए ध्यान कराओ करो, और ध्यान करने के बाद अगर आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो ठीक है, और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं भी हुआ तो कम से कम तुम्हें तनाव रहित तो और शांति से जीने का तो हो जाएगा। गुरु महाराज की, अगर कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, गुरु महाराज की सेवा करो, वेदांत का प्रचार प्रसार करो, ध्यान का प्रचार प्रसार करो, लोगों को शांत करो, लोगों को तनाव रहित करो, लोगों की सेवा करो। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है तो उसकी परेशानी को हल करो, तुम्हारे पास धन है, कोई बीमार है तो उसकी उसका इलाज करा लो, और कुछ नहीं कर सकते हो तो 2-4 पेड़ हर साल 4-5 पेड़ 10 पेड़ लगा के इस धरती को हरी भरी करो, अच्छा काम करो, ध्यान करो, अपने आत्मा में उतरो। मैं तो आज के समय में सोचता हूँ यही सन्यास है, यही सन्यास है। इसलिए मैंने भी भैया अपने भोजन की व्यवस्था खुद कर लिए, अपना आश्रम बना लिया खुद के पैसे से, अपने आराम से भगवान की सेवा करता हूँ, ये प्रवचन देता हूँ, जो जिज्ञासु होते हैं उनको ध्यान कराता हूँ, जो बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ, शिविर लगा लेता हूँ, ध्यान करा देता हूँ। अगर मैं इन लोगों के साधु संतों के चक्कर में फंस कर इन के मठ मंदिरों में घूमू फिरूं तो मेरे पास जो कुछ शांति बची है वो भी चली जाएगी, वो भी चली जाएगी। क्यों? कि इनके यहाँ तो सब कुछ जो है व्यवसायिक है और सब कुछ में किराया है इनका। अगर तुम मंदिर में पूजा हो रही है शाम को तुम आरती में नहीं गए तो तुम्हारे को फिर वो अपमानित करेंगे, डटकारेंगे, कहते हैं ध्यान में नहीं आरती में आना है, बड़े महंत जी के चरण छूने रोज जाना है, आश्रम में जो भी काम है चाहे तुम्हारा शरीर काम साथ दे या ना दे, वो कहे झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाना है। इससे तो अपना जीवन इस तरह के चीजों में फंसाने से अपने व्यवस्था करो, अपने भगवान का ध्यान करो, गुरु महाराज की कृपा से। ऑनलाइन आजकल सब प्रवचन भी हो गए, मार्गदर्शन भी हो गया है, स्काइपी टेलीफोन मैसेंजर बहुत सारे साधन है, अपनी समस्या हल करो, गुरु महाराज से पूछ लो और अपना ध्यान करो। हम तो इसको आज के जमाने का संन्यास कहते हैं। और नहीं तो तुम्हारी मंजिल मर्जी हो तो जंगल में जाओ, हमें क्या करना, जंगल में तो अब वीरप्पन रहते हैं, जंगल में तो अब आतंकवादी लोगों ने अपना डेरा जमाया हुआ है, जंगल में तो अब फल भी नहीं है, जंगल में तो अब ज्यादा वृक्ष भी नहीं है, और जंगल में तुम जाके भी बैठो तो वन विभाग वाले तुम्हें मार लात भगा देंगे वहां से, क्योंकि हम
एक बार गौमुख जा रहे थे, गंगोत्री से गौमुख। एक संत ने कुटिया बनाई तो उनको बता रहे थे हर 8वें दिन वन विभाग वाले आ जाते हैं, बोलते महाराज कुटिया हटाओ यहाँ से, ये वन विभाग की भूमि है, हिमालय में ना तो संतों को हिमालय में, अब तो अभी का तो नहीं कह सकता हूँ, उस जमाने में, अभी आज से 5-6 साल पुरानी घटना है, 10 साल पुरानी, संतों को जंगल में कुटिया भी नहीं बनाने देते। और तो और गंगोत्री से गौमुख जाने के लिए वहां के वन विभाग के जो DFO कार्यालय है वहां से 50 रुपए का पास बनवाना पड़ता है, एक दिन के 50 रुपए लगते हैं वहां जाने। अब सोच लो आप, अब जंगल में भगवान कह रहे जंगल में चले जाओ और तुम्हारे भगवान की बात मान के जंगल में चले जाओ तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तुमको जंगल में नहीं रहने देंगे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की नजर से नहीं आओ, नजर में नहीं आओगे तो जो जंगल में नक्सलवादी घूम रहे हैं, डाकू घूम रहे हैं और अन्य अन्य प्रकार के असामाजिक तत्व घूम रहे हैं, और जंगल में रहने वाले लोग जो हैं जो वहां पर जानवरों को मार के खाने वाले लोग हैं, मुर्गा मुर्गी पाल पुला के बकरा बकरी खाने वाले लोग हैं, उन लोगों के बीच में तुम्हें रहने से तो अच्छा है भैया तुम इधर ही रह लो। अब नहीं है वो स्थिति जो भगवान ने बताई, अब वो स्थिति नहीं है, अब तो साधु संत भी वही ढंग से जी पा रहे रह पा रहे हैं जो साधु के रूप में जनता को ठगना, मंत्रियों को फंसाना और चेला चाली बना के राजनीति में दखल रखना, उन्हीं लोगों की कदर है। अब तो ब्रह्म वेत्ता लोगों के कोई सुनने वाला है नहीं है, बात तो कड़वी है लेकिन अब आपको बता देते हैं, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि दृश्यमान को असत्य जानकर आत्मा में ठहरे और सबका बाध करके स्वरूप में स्थित हो, ज्ञान निष्ठ विरक्त मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है, खुद ही कह दिया भगवान ने, आप यदि मुमुक्षु तो आपको आश्रम की मर्यादा की जरूरत नहीं है, वह चाहे तो विधि निषेध को छोड़कर स्वच्छंद विचरे, सन्यासी निर्वैर धैर्यवान प्रारब्ध वश मिले तो खा ले, भिक्षा अवश्य मांगे, शरीर पदार्थ प्राण रहने से तत्व विचार होता है और तत्व विचार से मुक्ति होती है, जो मिले उसी में काम चलाए, ज्ञान निष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति नहीं होती। तो भैया मिले उसमें काम चलाए तो सबसे अच्छी बात है कि अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत बुढ़ापे की व्यवस्था कर लो और भगवान का भजन कर लो। वैराग्यवान पुरुष साधनहीन भी हो तो भगवत चिंतन में रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण ग्रहण करें, ये बात पक्की है ना। सदगुरु की शरण तो आपको ग्रहण करना पड़ेगी, लेकिन आप जिनको सदगुरु समझ रहे हो वो सदगुरु है नहीं, क्यों कि उनके मेरी बात मत मानो, उनके पास रह के देख लो, उनके पास रह के देख लो। तो मैंने बहुत सारे गुरुओं के पास रह के देखा है और जिसके पास मैंने रह के देखा है उसी के अंदर मैंने ये देखा कि उनमें राग भी है, द्वेष भी है, पक्षपात भी है और अपने शिष्यों की काट करने की भावना भी है, और कोई हमसे आगे कैसे निकल जाए, किसी को ज्ञान कैसे हो जाए, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, इसलिए सतगुरु मिलना मुश्किल है। सतगुरु की शरण ग्रहण करना है तो भैया कुछ समझ लो, सतगुरु को देख लो, जान लो, अब हम क्या कहें अपने मुंह से। और गुरु की दृढ़ भक्ति करे और श्रद्धा रखे उसमें और दोष कभी ना निकाले। अब दोष कब तक ना निकालेगा, अगर गुरु है ही नहीं वो तो फिर दोष तो सामने ही दिखेंगे ना उसके ना। जब तक ब्रह्म ज्ञान ना हो तब तक आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ गुरु की सेवा करे, हाँ लेकिन गुरु हो अवश्य सेवा करे,
गुरु ही परमात्मा है, लेकिन अगुरु जो है, ढोंगी जो है, और एक गुरु बनना भी एक कैरियर हो गया आज के जमाने में, ऐसे लोगों से बच के रहो। ऐसे लोग तो कालनेमी है, गुरु नहीं है। इसलिए संन्यास का मूल धर्म है शांति, अहिंसा, वानप्रस्थी का तपस्या, भगवत भाव गृहस्थी का प्राणियों की रक्षा, यज्ञ भाव ब्रह्मचारी का आचार्य सेवा। जो पुरुष समस्त प्राणियों में मेरी सेवा कर मेरी भावना करता है उसे अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उद्धव, समस्त लोगों का स्वामी, उत्पत्ति प्रलय का परम कारण ब्रह्म मैं हूँ, वह मुझे पा लेता है। पर भैया एक बात का ध्यान रख लेना, अहिंसा तो करना, लेकिन आजकल भारत में सनातन धर्म केवल इसीलिए मात खा रहा है कि हमने हमारे सद्गुणों को जो धारण किया है, तो राक्षस वृत्ति के लोग इस अच्छाई को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए अहिंसा तब तक ठीक है जब तक आपके सामने कोई आपके ही समान परमात्मा का प्रेमी आपके सामने है तो अहिंसा ठीक है। लेकिन यदि कोई राक्षस जो आपके परमात्मा को भी ना माने, आपके धर्म को भी नहीं माने, आपके सिद्धांत को भी नहीं माने, और आपके समुदाय को नष्ट करने के लिए तुला हो, उसके लिए हिंसा ही एकमात्र उपाय, अहिंसा नहीं। इसलिए कहते हैं इस सूत्र है, ये नीति है कि सठम प्रति साठ्यम कुर्यात मादरात प्रति मादरम। जो सठ है उसको उसको दंड देना जरूरत जरूरी है, क्योंकि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, ये चलता नहीं है। और दूसरी बात, जो मादरात प्रति मादरम जो मधुर है उसके साथ मधुर व्यवहार करो। इसलिए भगवान के तीन हाथों में शस्त्र हैं और एक हाथ में कृपा है। इसलिए अगर तीन गुनी तुम में शक्ति है तो अहिंसा और क्षमा वीरों का भूषण है, कमजोरों का नहीं। इसलिए भारत को कमजोर न होने देना, अहिंसा के नाम पर भारत को कमजोर न होने देना। और ये जो तामसी वृत्ति के जो लोग हैं, बर्बर लोग हैं, इन लोगों के हाथों अपने देश को जाने न देना। इसके लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। जैसे सेना सैनिक सीमा पर लड़ता है, ऐसे तुम्हें इस देश के आंतरिक व्यवस्था के लिए भी संघर्ष करना चाहिए। और ये भी धर्म है और ये भी अध्यात्म है। शिवम।